जब कपड़े सूख जाते हैं तो तार से उतार भी लिया करो। मेरा काम नहीं है तुम्हारी चीजें समेटती फिरूं हर वक्त। चिढ़ क्यों रही है मुझसे? चिढ़ तो मैं तुमसे कल रात से रही हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबा की वजह से चुप हो गई थी। मुझे क्या जरूरत थी साथ को फोन करके बुलाने की? फोर्स किया था ना उसने तुम्हें, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने खुद कॉल की थी साथ को, मेरा दिल नहीं लग रहा था वहां पे, बस घबराहट हो रही थी। क्या मतलब है घबराहट हो रही थी? क्यों? अम्मी वो और तरह के लोग हैं, बहुत क्लास कॉन्शियस हैं, अनकंफर्टेबल हो रही थी वहां पे। आमना खाला के महल जैसे घर में तुम अनकंफर्टेबल क्यों हो रही थी? मेरे लिए यही महल है। माही तुम्हारा दिमाग जो है ना बिल्कुल बंद हो चुका है, कुएं की मेंढक हो गई हो। किसी बड़े घर में शादी हो गई तो क्या करोगी? अव्वल तो ऐसा होगा ही नहीं कभी, क्योंकि मुझे ऐसा ससुराल नहीं चाहिए जहाँ पे हर चीज़ आर्टिफिशियल और फेक हो। ऐसे लोग ना, उनको किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास नहीं होता। आ जाऊं? जी बाबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रात को तो सर में दर्द कर लिया था तुमने? नहीं, अब ठीक। कहाँ जा रहे हैं? मैं वो अस्पताल जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट है आज इनका डॉक्टर से। मैं चलूं? नहीं नहीं, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत वैसे ठीक नहीं थी। रात को फिर वो दावत और शादी की तकरीबात, मैं साथ को ले जा रहा हूँ भाई, साथ। लेकिन फिर डॉक्टर जो भी टेस्ट बोलेगा वो आपने करवा के लाने हैं। सुस्ती नहीं दिखानी हमेशा की तरह, मैं वरना साथ को कह दूंगी। अच्छा बाबा, चलो दरवाजा बंद कर लो भाई, मैं जा रहा हूँ। ये सब आपने तय कर दिया, फिर आप मुझसे और चिढ़ेंगी कि मैंने क्यों नहीं किया।